हे गाइस नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं कैसे नेटफ्लिक्स का जो ब्लैक स्क्रीन है उसको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, आप कोई भी वीडियो प्ले करते हो तो आपको यहां पे ब्लैक स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहां पे जो मेरा वीडियो अच्छे से काम कर रहा है मेरा यहां पे ब्लैक स्क्रीन वो मैंने फिक्स कर दिया है पिछले दिन। तो गाइस बहुत दिनों से मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत ही रूम में आ रहा था, बहुत सारे रूम में। तो गाइस मैं पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी जो है मुझे वो ट्रिक आ चुका है। ठीक है, तो गाइस मैं आज इस वीडियो में उसी ट्रिक को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इस ट्रिक को यूज़ करके ब्लैक स्क्रीन उसको फिक्स कर सकते हो। तो गाइस मेरा नाम अनिश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरा यहाँ पे फ़ोन रूटेड है, तो आपको मैं सेटिंग्स में ले चलता हूँ। आपको मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन दिखा देता हूँ। एंड्रॉइड 10 में मेरा ये है और मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ वो है रेडमी का रेडमी नोट 7S और जिसका कोड नेम है लेवेंडर। ठीक है, इसमें मैंने ब्लिस ओएस को फ्लैश कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लिस का लोगो आ रखा है। ठीक है, तो ये मैंने ब्लिस ओएस यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे कर्नल भी मैंने चेंज कर रखा है, नेक्सस ओल्ड लेवेंडर ईएस ओल्ड कैम यहाँ पे मैंने ये फ्लैश कर रखा है। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे मेरा फ़ोन रूटेड है कि नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि भाई मेरा यहाँ पे मैजिक से मैं रूट कर लेता हूँ हर एक वक्त और मेरा रूटेड डिवाइस है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स को फ्लैश कर रखा है, लेकिन यहाँ पे जो एक मॉड्यूल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी आपको करने हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैजिक ओपन कर लेना है। तो गाइस ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है इस आइकन पे। ठीक है, इस आइकन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैजिक हाइड का, इसको सिंपली इनेबल कर लो। फिर से आपको यहाँ पे हाइड दी मैजिक्स ऐप ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये पहले मत करना। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैजिक हाइड का यूज़ करो, इनेबल करो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे होम पे जाना है। यहाँ पे होम पे जाने के बाद आपको इस वाले आइकन पे जाना है, सेकंड वाले आइकन पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैजिक हाइड, इसमें सिंपली क्लिक करो। तो वैसे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा आपके ऐप्स को, जो जितने भी ऐप्स है यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दोनों को ही यहाँ पे हाइड कर रखा है, गूगल प्ले सर्विसेज और नेटफ्लिक्स दोनों को हाइड कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स के दोनों को ही हाइड कर रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे दोनों को इसको दोनों को हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद आपको सिंपली बैक में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का जो है यहाँ पे डेटा जो है यहाँ पे क्लियर कर देना है। स्टोरेज एंड कैश में जाना है, यहाँ पे स्टोरेज क्लियर कर देना है। तो इस डेटा क्लियर करने के बाद आपको सिंपली नेटफ्लिक्स को ओपन कर लेना है। तो अभी आपको देखना है कि भाई नेटफ्लिक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरा यहाँ पे काम करेगा मुझे पता है। अब अगर यहाँ पे नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मैं दूसरा जो है आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो आप देखते हो तो मेरा यहाँ नेटफ्लिक्स अच्छे से वर्क कर रहा है और यहाँ पे कोई भी मैं वीडियो प्ले करूँगा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा अच्छे से। तो मैं कोई भी एक यहाँ पे मूवी प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखते हो तो यहाँ पे मेरा नेटफ्लिक्स जो है काम कर रहा है। ठीक है, अच्छे से। तो मैं इसको बैक में चला जाऊँ तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपका अगर फिर भी नहीं काम कर रहा है तो आपको सिंपली मैजिक्स में फिर से जाना है। मैजिक्स में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, इस वाला आइकन पे, ये लास्ट वाले, इस पे यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, मैजिक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको यूज़ करना। ठीक है, तो जाके अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है मैजिक्स। तो वैसे मैजिक सर्च करोगे तो कैसे आपको यहाँ पे मैजिक साइट प्रॉप कॉन्फ़िग आपको देखने को मिलेगा। इसको सिंपली डाउनलोड करो और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली ऑटोमेटिक ये फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश होने के बाद आपको सिंपली एक बार रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मैजिक साइट प्रॉप्स का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ये मॉड्यूल मैंने फ्लैश करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे क्लियर डेटा कर देना है, इस नेटफ्लिक्स का क्लियर डेटा कर देना है एक बार। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो बस नेटफ्लिक्स का क्लियर डाटा करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लोज कर देना है। सब कुछ करने के बाद आपको सिंपली फिर से नेटफ्लिक्स ओपन कर लेना है। सो बस नेटफ्लिक्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका नेटफ्लिक्स जैसे वर्क कर रहा है। किसी किसी डिवाइस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ। तो बस अभी मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ, आप देख सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से नेटफ्लिक्स का जो वही सीरीज है मैंने उसको यहाँ पे प्ले कर दिया और अच्छे से वर्क भी करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा कर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो मूवी है ये चलने लगा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो अभी आपको फिर से आपका यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली फिर से मैजिक्स में जाना है। मैजिक्स में जाना है, फिर आपको यहाँ पे जाना है इस वाले सेटिंग्स वाले आइकन पे। आइकन में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे मैजिक्स यहाँ पे हाइड दी मैजिक्स ऐप को इसको इनेबल कर देना है। इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स लिखा है, इसमें सिंपली आपको मैजिक्स लिख देना है। तो मैं जल्दी से मैजिक्स लिख देता हूँ।
तो मैं जिस लिखने आपको सिंपली इसको ओके कर देना है, तो मैं इसको सिंपली ओके कर देता हूँ आप सबके लिए। तो ये कुछ टाइम लेगा, अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर से ये ऐप जो है फिर से देख सकते हो आप, फिर से यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड शॉर्टकट टू होम स्क्रीन, इसको सिंपली कैंसिल कर दो। करने के बाद आपको सिंपली होम पे जाना है, आपको सिंपली यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट मारना है अपने डिवाइस को, ठीक है। अपने डिवाइस को रिस्टार्ट मारने के बाद फिर से आपको नेटफ्लिक्स को ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको क्लियर डेटा कर देना है सबसे पहले। तो मैं जल्दी से क्लियर डेटा कर देता हूँ, यहाँ पे प्ले स्टोरेज पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे फिर से इसको ओपन करेंगे। तो यार आप देख सकते हो कि मेरा नेटफ्लिक्स जैसे वर्क कर रहा है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि भाई मेरा फिर से वही सीरीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यार देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो नेटफ्लिक्स का सीरीज है ये 3 बार ही वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पहले बार वर्क नहीं कर रहा था। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल जो है L3 का देखने को मिलेगा, वाइड वाइन का। यहाँ पे आपको L3 देखने को मिल रहा है, मतलब मेरे में देखने मिल रहा है। आपको अगर L1 का देखने को मिल रहा है कोई भी बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे L3 हो L1 हो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका ये ट्रिक अच्छे से 100% वर्क करेगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पे मैसेज कर लो, ठीक है। टेलीग्राम का मैं यहाँ पे ग्रुप बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ पे जाके सिंपली आप ये दोनों यहाँ पे अपडेट्स वाले चैनल को भी ज्वाइन कर लो और यहाँ पे मेरा इस ग्रुप वाले को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद सिंपली आप मुझे मैसेज करो, कोई भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर वीडियो बहुत ही पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई दोस्तों का आपका सेम ऐसा हालत हो रहा है तो गाइस सिंपली ये वीडियो उन पर शेयर कर देना ताकि उनका भी यहाँ पे फिक्स हो जाए। सो गाइस मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।